देवरिया में राजकीय चिकित्सालय में फूड पॉइजनिंग का मामला। फूड पॉइजनिंग से एक छात्र की हुई थी मौत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने फूंका पुतला। फर्म के ठेकेदार पर FIR दर्ज कर जेल भेजने की मांग। 4 दिन पूर्व फूड पॉइजनिंग से 80 छात्र हुए थे बीमार। वहीं दूसरी तरफ परिवहन मंत्री दयाशंकर मिश्र सिंह पहुंचे देवरिया, फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए छात्रों से मिले। मेडिकल कॉलेज में भर्ती छात्रों से की मुलाकात। एक छात्र की मेडिकल कॉलेज में हुई है मौत। दोषियों पर होगी कार्रवाई, मंत्री दयाशंकर सिंह। क्या मांग है और किसका अपने पुतला जलाया है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देवरिया विभाग के कार्यकर्ताओं ने आज सुभाष चौक पर इस उत्तर प्रदेश शासन के समाज कल्याण मंत्री अशोक अरुण का पुतला फूंक कर विरोध जताया है। पिछले दिन रविवार को राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में विद्यार्थी को बासी छोला खिलाने के कारण उनका तबियत खराब हुआ, जिस सोमवार को आनंद फानंद में मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। मेडिकल कॉलेज में जब से भर्ती हुए तब से कुछ विद्यार्थियों का हालत अस्थायी हुआ तो कुछ की गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन जिला प्रशासन उस समय भी ये नहीं समझा कि इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। कल जब एक विद्यार्थी की मृत्यु गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में हुई, उसके बाद प्रशासन अपनी नींद से जागा और नींद से जागने के बाद वहाँ पे FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन इससे भी अभी उस छात्र को न्याय नहीं मिलता है, इस बात का समझना पड़ेगा। जब तक इस देवरिया जिले के समाज कल्याण अधिकारी को FIR दर्ज कर गिरफ्तार न किया जाए, वो बर्खास्त न किया जाए और जिनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है ऐसे प्राचार्य सूर्यकांत राय एवं मैच चलाने वाले राजेश गुप्ता को जब तक गिरफ्तार न कर लिया जाए, तब तक विद्यार्थी परिषद लगातार ऐसे ही अपने आंदोलनों के लिए बाध्य रहेगी। आपके प्रभारी मंत्री यहाँ आए हुए थे जिले के, जो है क्या कहेंगे आप? आपसे मान मनोरोल किया, आप लोग माने भी नहीं थे, क्या बात? नहीं, ऐसे नहीं होता है। और मंत्री जी को आना ही था तो वो सूचना करनी चाहिए थी, उन्होंने पहले बात करने प्रयास नहीं किया। जब हम लगातार उनसे संपर्क करना चाहे, हम जिलाधिकारी से मिलना चाहे, तो जिलाधिकारी ने मिलने का समय नहीं दिया और मंत्री जी का भी फोन नहीं लगा। इस संदर्भ में वो जब आए तो ऐसे हम लोग ज्ञापन नहीं दे सकते, उन्हें उनके इस तरह रवैये से नहीं मान सकते हैं हम लोग। मंत्री जी आए तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम भी विद्यार्थियों के कार्यकर्ता रहे, आप लोग अपनी मांगों को हमारे समक्ष रखिए, लेकिन विद्यार्थी परिषद ये बात नहीं मानी देवरिया का। कहाँ गए मंत्री जी? मंत्री जी अपने जहाँ जाना तो चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौम्य है, विद्यार्थी परिषद देवरिया का विभाग संयोजक हूँ। अपना प्रश्न हुआ मंत्री, क्या कहेंगे आप? आईडी चेक करिए। आईडी नीचे। ठेकेदार का बुलेट लिस्ट कर दिया गया है, FIR करा दी गई है, जांच हो रही है, जांच के परिधि में जो लोग भी आएंगे सब पर करवाइए। क्या समाज कल्याण के विभाग के ऊपर भी करवाइए? इसमें दोषी पाएंगे जाएंगे उस पर सब पर करवाइए। आप ही के ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आप ही की संस्था एक है, अभी जो भी दोषी पाएंगे वो सब पर करवाई की जाए, सब पर करवाइए। किसी को नहीं, योगी जी की सरकार है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, जो गलत पाया जाएगा सब पर करवाई होगी, उसकी जांच कराई जाएगी। धन्यवाद।